तो हमें क्या पूछा है कि ये दोनों चेक करना के बराबर है, ये बेस हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये हमें शो करना था। तो क्या ये चेक कर लिया ना, बराबर है ना, यस। तो क्या, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, आप सभी का स्वागत है। मैं गिरिराज चौधरी और आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड अड्डा में पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, 8.1 पर्सनालिटी का क्वेश्चन नंबर 7 किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे, तो चलो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रहा है, उसको मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ। देखो बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, हमें शो करना है, हमें क्या दर्शाना है, हमें क्या दे रखा है। देखो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दे रखा है, 3 कोट थीटा, कोट ए बराबर क्या दिया है, कोट ए बराबर 4 दिया। हमें चेक करना है कि 1 - tan² a / 1 + tan² a बराबर है क्या इसके। तो हमें क्या चेक करना है, दर्शाना है, चेक करना है, चेक करना है क्या 1 - tan² a / 1 + tan² a इक्वल टू है cos² a - sin² a। तो क्या पूछा है, चेक करना है ये बराबर है या नहीं। तो हमें क्या पूछा है कि ये दोनों चेक करना के बराबर है या नहीं। तो देखो इसको चेक करने के लिए पहले क्या करना, हमें क्या तरीका है, कोट। तो सबसे पहले स्टेप क्या हो जाएगा सोल्व करने का, सोल्व करना है इसको। सोल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर लिखो, कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, देखो डिवाइड करो, 4/3 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, टेन निकालना है, कोस निकालना है और क्या निकालना है, साइन निकालना है। तो देखो निकालो, तो सबसे पहले क्या है, बनाओ राइट एंगल, बनाओ समकोण त्रिभुज, बनाओ ये समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया है। अब देखो ए किसको मानूंगा, नीचे वाली को, मेरे को क्या आसानी देगी, ये मान लिया ए, ए ये देगा बी, ये सी, सी क्या है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में क्या एक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, उसके सामने वाली पूछे क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस ये हो जाएगी। अब देखो हमें क्या निकालना है, कोट ए, ए ये हो जाएगा, एंगल कौन सा है ये, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, ये बेस हो गया और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा में से क्या होती है कर्ण होती है। तो देखो हमें कितना दे रखा है, कोट ए। तो देखो कोट ए क्या होता है, लिखो लाल बटा कक्का लिखो, अपोनो कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, तो हमें क्या दे रखा है, कोट ए। कोट ए किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन कितना होता है, लंब बटा आधार। तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो देखो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। ये क्या हो जाएगा, देखो आधार बटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बना किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा। टेन कितना होता है, लंब बटा आधार, तो उसका उल्टा आधार बटा लंब। तो देखो आधार कितना है 4, लंब कितना है, हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो क्या लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, h² बराबर क्या होता है, h² बराबर कितना, p² + b² ये पर पाइथागोरस थ्योरम से कैसे लिखते हैं, h² बराबर b² + b² ये पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। तो लिखो h कितना है, h हमें फाइंड करना है, h² फाइंड करना है, b कितना दे रखा है, p कितना है 3² + 4² तो देखो 3² कितना हो गया 9, 4² = 16, इनका एडिशन कितना हो जाएगा 25। तो 25 का रूट कितना हो जाएगा, h = 5। तो हमारा कर्ण कितना हो गया, कर्ण कितना हो गया 5, ये कर्ण बराबर 5 हो गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, टेन ए निकालना है, क्या निकालना है टेन ए। तो निकालो टेन,
टेन कितना हो जाएगा, देखो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ऑब्वियस, लंब बटा आधार, किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा, या डायरेक्ट भी ले सकते हो, देखो लंब बटा आधार ये क्या होता है टेन थीटा, तो टेन ए निकालना ना, तो टेन देखो कितना हो जाएगा तीन बटा चार, ये टेन ए हो गया हमारे पास, ठीक है। कोस से फाइंड करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करना है, तो देखो कोस से बराबर कितना हो जाएगा, कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, या आधार बटा कर्ण क्या बेस अपॉन ऑफ हाइपोटेनियस, तो आधार कितना दे रहा है, देखो आधार कितना है चार, कर्ण कितना है पांच, ये कोस ये हो गया, अब क्या निकालना है साइन ए, तो साइन ए निकाल लो, साइन कितना होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर कोण ऑफ बेस, तो साइन ए कितना हो गया बताओ, परपेंडिकुलर कितना है सॉरी साइन कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर कोण ऑफ हाइपोटेनियस, या हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण था ना, तो देखो परपेंडिकुलर कितना है तीन, हाइपोटेनियस कितना है फाइव, अब देखो एक बार क्या लेना है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी बार में राइट हैंड साइड, तो चलो ले लो लेफ्ट हैंड साइड, लो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल दिए वन माइनस टेन स्क्वायर, वन माइनस टेन ए स्क्वायर, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन ऑफ में वन प्लस टेन स्क्वायर ए, इसमें वैल्यू पुट कर दो किसकी, टेन की वैल्यू कितनी तीन बटा चार दे रखा है, तो लिखो वन माइनस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या वन प्लस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर करो, कितना हो गया देखो वन माइनस नाइन अपॉन ऑफ सिक्सटीन अपॉन ऑफ वन प्लस नाइन अपॉन ऑफ सिक्सटीन, सिक्सटीन दोनों जगह एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम ले लो, सिक्सटीन में से देखो नाइन के लिए कितना बचाएंगे सेवन, तो सेवन अपॉन ऑफ सिक्सटीन अपॉन ऑफ कितने हो गए ट्वेंटी फाइव अपॉन ऑफ सिक्सटीन हो गए ना, देखो 16 में से 9 के कितने हो जाएंगे 7, और ये देखो 9 प्लस 16 कितना 25, तो 16 से 16 गया, ये कितना आ गया 7 अपॉन ऑफ 25, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, अब ले लो राइट हैंड साइड कितना दे रखा है, राइट हैंड साइड क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड लो 1 माइनस ये देखो कोट स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट कर दो कोस की वैल्यू कितनी है चार बटा पांच, तो सिक्सटीन अपॉन ऑफ ट्वेंटी फाइव स्क्वायर कर रहा हूं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, देखो कितना नाइन अपॉन ऑफ ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव एलसीएम ले लो, ये ट्वेंटी फाइव एलसीएम ले लिया, तो देखो सिक्सटीन में से नाइन के कितने मिलेंगे, सिक्सटीन में से नाइन कितना सेवन अपॉन ऑफ 25, ये 7 अपॉन 25, ये हो गया राइट हैंड साइड, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ये हमें शो करना था, तो क्या ये चेक कर लिया ना बराबर है ना, यस, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या लिखोगे यस, ये क्या है इक्वल में है, ये चेक करना था। जो भी हमारे चैनल पे नए कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।